हेलो फ्रेंड्स, प्रदीप समेले क्लासेस में आपका स्वागत है। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, इसका पार्ट वन मैं पहले ही बना चुका हूं, तो उसको आप देख सकते हैं। और उसमें चार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फाइव से ये पार्ट टू स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या है, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 10, 15 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो वे तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि ए द्वारा एक काम करने में लिया गया समय कितना है, 10 दिन। यानी ए इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेता है, 10 दिनों में पूरा कर लेता है, जबकि बी इसी काम को करने में 15 दिन का समय लेता है। इसी प्रकार सी अगर ये काम करता है पूरा, तो ये लगाता है कितने दिन, 30 दिन। ठीक है, तो ये हमने दिन लिख लिया अलग अलग। ए इसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी इसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और सी इसी काम को 30 दिन में कर सकता है। मान लीजिए कि ये व्हाइट बोर्ड बनाने का ही काम है, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। तो अब देखिए, सबसे पहले क्या करना है इसमें ट्रिक में, कि 10, 15 और 30 का क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। तो 10, 15 और 30 का लासापा हो जाएगा 30। अब 10 से 30 में भाग दीजिए और इसको यहां रख दीजिए। तो 10 या 30, अब 15 से 30 में भाग दीजिए और इसको यहां रख दीजिए। 15 दूनी 30, 30 से 30 को भाग दीजिए और इसको यहां रख दीजिए। 30 एकम 30। इस प्रकार क्या हुआ कि हमारे पास, अगर मान लीजिए व्हाइट बोर्ड बनाने का काम था इन तीनों के पास, ए बी सी के पास, तो कुल व्हाइट बोर्ड बनाने थे उसे 30, करेक्ट, 30 व्हाइट बोर्ड उसे बनाने थे। ए एक दिन में बनाता है 3 व्हाइट बोर्ड, बी एक दिन में बनाता है 2 व्हाइट बोर्ड, जबकि सी एक दिन में बनाता है 1 व्हाइट बोर्ड। हमसे पूछा गया कि तीनों मिलकर काम करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो उनका एक दिन का कार्य निकाल लें, एक दिन का कार्य निकाल लें, क्योंकि हमें इनके अलग अलग मालूम है। ये एक दिन में 3 बनाता है, ये एक दिन में 2 बनाता है, और ये सी एक दिन में 1 बनाता है। तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो ए बी सी का एक दिन का कार्य आ जाएगा। तो 3 और 2 5 और 1 6, तो यहां पर कितना आ गया, 6 कार्य आ गया। टोटल कार्य कितना था, 30। अब ये 30 या व्हाइट बोर्ड बनाने थे या कुर्सियां बनानी थी, कुछ भी, वो टोटल कार्य 30 था, उसमें से 6 कार्य एक दिन में ए बी सी मिल करके कर लेते हैं। अब हमसे पूछा गया है दिनों की संख्या, यानी ए बी सी तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो हमसे क्या पूछा, दिनों की संख्या, तीनों मिलकर के कितने दिनों में कर सकेंगे। तो हम क्या करेंगे कि कुल कार्य 30 था और बटे इन तीनों ने मिलकर के एक दिन में कार्य कितना किया, 6। तो 30 बटे 6 कर दीजिए, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, और उत्तर आ गया बराबर 5 दिन। तो 5 दिन आ गया, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इसको फॉर्मूले के द्वारा भी कर सकते हैं। फॉर्मूले के द्वारा कैसे करेंगे, इसमें फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एक्स की वैल्यू को मान लेंगे हम 10। पहले वाले एक को एक्स मान लिया, एक को वाई मान लिया, तो वाई बराबर 15, और तीसरे को जेड मान लिया, तो जेड बराबर 30। और इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे फ्रेंड्स, एक्स वाई जेड और अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। ये फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे इसकी वैल्यू को। तो इसको करेंगे तो देखिए, 10 × 15 × 30 बटे एक्स वाई, यानी 10 × 15 प्लस वाई जेड, यानी 15 × 30 प्लस जेड एक्स, जेड कितना है 30, तो प्लस 30 और गुणा 10। अब इनको कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना, तो इनको कैलकुलेट कर लीजिए। तो कितना आएगा जी, देखिए 10 15 जाएंगे 150, और 150 × 300 = 450, 4500। वैसे भी कर सकते हैं, 15 = 45 और 45 = 45, और 2 शून्य के 2 शून्य,
तो यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4500 बटे, और इसको कर लीजिए 150, ये हो गए 450, 15 × 3 = 45, और ये हो गए 300, इनको जोड़ लीजिए 450 और 150 600 और 300 900 हो गए, तो ये कितना हो गया 4500 बटे 900। तो अगर हम इसको लिखेंगे 4500 और बटे 900, तो जीरो से जीरो कट गया और इस जीरो से जीरो कट गया और 9 × 45, 5 बार कट जाएगा, 9 × 9 = 45, तो 5 दिन आ गया, ये उत्तर कितना आ गया 5 days, और 5 days यानी सी करेक्ट आंसर है। तो दोनों के द्वारा, इसके द्वारा भी 5 दिन आया और इसके द्वारा भी 5 दिन आया। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उससे कर लीजिए। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। पी एवं क्यू किसी काम को 12 दिन में, क्यू एवं आर उसी काम को 15 दिन में, आर एवं पी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए कि पी क्यू एवं आर मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। 4 ऑप्शन दिए हुए। तो सबसे पहले तो इसने कहा है कि पी और क्यू मिलकर काम करते हैं, तो ये काम खत्म कर देते हैं कितने दिन में, 12 दिन में, ठीक है। इसी प्रकार वो कह रहा कि अगर क्यू और आर ये दोनों मिलकर के काम करते हैं तो ये काम को 15 दिन में समाप्त कर देते हैं, और आर एवं पी जब मिलकर के काम करते हैं तो उस काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। यानी ये दो दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं यहाँ पे, जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक एक व्यक्ति काम कर रहा था, ए का काम, बी का काम, सी का काम, और फिर ए प्लस बी प्लस सी का काम पूछा था। यहाँ पे डबल डबल हो गए, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी। तो इसमें हमें क्या करना है, पैटर्न तो वही है, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12, 15 और 20 दिनों का क्या लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM। तो 12, 15 और 20 का हम लेंगे LCM, और LCM कितना आएगा फ्रेंड्स, 180। 12 से 180 में भाग दिया और इसको यहां रख दिया, 12, 15, 180। 15 से 180 में भाग दिया और 15, 12, 180, तो यहां पे 12 रख दिया, और 20 से 180 में भाग दिया और उसको यहां रख दिया, 20 × 180। यानी इससे इसमें भाग दिया, यहां रख दिया, फिर इससे इसमें भाग दिया, यहां रख दिया, इससे इसमें भाग दिया, यहां रख दिया। तो अब ये क्या हो गया, मान लीजिए काम है व्हाइट बोर्ड बनाने का, इस तरह के व्हाइट बोर्ड बनाने, तो कुल काम 180 बोर्ड बनाने का था, 180 बोर्ड बनाने थे। तो इसके द्वारा ये निकल के आया कि पी और क्यू एक दिन में 15 व्हाइट बोर्ड बना सकते हैं, इसी प्रकार क्यू और आर एक दिन में 12 व्हाइट बोर्ड बना सकते हैं, इसी प्रकार आर एवं पी मिलकर एक दिन में 9 व्हाइट बोर्ड बना सकते हैं। तो अब यहां देखिए, यहां पी 2 बार इंक्लूड है, तो 2p प्लस क्यू और क्यू कितना हो गया 2q, और प्लस 2r, r प्लस r कितना हो गया 2r। तो ये मिलकर के इस काम को एक दिन में करते हैं, तब कितना काम होता है, तो इसको हम टोटल कर लेंगे, तो 15, 12, 27 और 9, 36, तो ये 36 काम हो जाता है। लेकिन हमसे तो उसने पूछा है पी क्यू आर का काम, तो ये तो डबल है, अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो ये 2p प्लस क्यू प्लस आर, यानी पी क्यू आर के काम इसका डबल है, इसका डबल है। तो इसका एक दिन का काम तो 36 है, इसका एक दिन का काम कितना है 36 है, यानी 36 बोर्ड बनाते हैं, तो अकेले पी प्लस क्यू प्लस आर एक दिन में कितना कार्य करेंगे। तो अब देखो यहां पर डबल सेट था, सेट का 2 टाइम्स था, अब सिंगल सेट हो गया तो जाहिर सी बात है आधा काम करेंगे, क्योंकि यहां लोग भी तो आधे हो गए, तो यहां पे आधा काम होगा, यानी 36/2 और बराबर 18। अब ये 18 काम हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, अतः हम लिखेंगे पी प्लस क्यू प्लस आर ने उस काम को अगर मिलकर के करते हैं तो उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहां लिख लेते हैं हम दिनों की संख्या, और ये दिनों की संख्या
कितनी हो जाएगी? कुल कार्य कितना था फ्रेंड्स? 180। और यहां पे पी क्यू और आर इन तीनों के द्वारा एक दिन का कार्य कितना है? 18। यानी 180 व्हाइट बोर्ड बनाने थे। पी क्यू और आर ने मिलकर के एक दिन में 18 व्हाइट बोर्ड बनाते हैं तो कितने दिन लगेंगे? तो 18 धाम 180 यानी 10 दिन लगेंगे। अब इसको फॉर्मूले के द्वारा भी किया जा सकता है। फॉर्मूला क्या है? बड़ा शॉर्ट, 2xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। अब इसमें अगर हम वैल्यू रखेंगे तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे। यहां पे 2 इंटू एक्स की जगह पे कितना रखेंगे हम? यहां से रख देते हैं 12। वाई की जगह कितना रखेंगे हम? 15। और जेड की जगह कितना रखेंगे? 20। और बटे में एक्स वाई यानी 12 इंटू 15 प्लस वाई जेड यानी 15 इंटू 20 प्लस जेड एक्स यानी 20 इंटू 12। अब इसको कर लीजिए आप कैलकुलेट तो आपका आंसर भी यही आ जाएगा 10 दिन। चलिए कर लेते हैं, 2 × 12 × 15 × 20 बटे 15 × 12 180 प्लस 15 × 30 300 हो गया और 12 × 24 और 0 का 0 तो ये कितने हो गए? यहां पे देख लीजिए, 2 × 12 × 15 × 20 और बटे में कितने आ गए? अब देखिए 0 0 0 तो यहां तो 0 आ गया। 4 और 8 12 एक आया, 3 और 3 6 और 1 7 कितना हो गया? 720। अब इसको 0 से 0 काट दीजिए, 12 × 6 72, 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15 तो ये कितना हो गया? ये 5 बचा और यहां पे मल्टीप्लाई में 2 है तो 5 × 2 इज इक्वल टू कितना हो गया फ्रेंड्स? 10 डेज। कितना हो गया? 10 डेज यानी 10 दिन यहां से भी उत्तर आया इसके द्वारा, फॉर्मूले के द्वारा, और 10 दिन इस मेथड से भी आया। तो ये 10 दिन यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में पूछा गया है कि ए एक कार्य को 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य अकेले प्रारंभ किया और 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, तदनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? तो इसमें क्या पूछा है? उसने कहा है कि ए इतने दिनों में कर सकता है, बी इतने दिनों में कर सकता है, लेकिन बी ने काम स्टार्ट किया, ए ने नहीं किया। बी ने काम को अकेले प्रारंभ किया है और 10 दिन तक काम किया और बाकी काम छोड़ के वो चला गया, यहां से काम छोड़ के भाग गया, ठीक है। अब बाकी का काम जो बचा शेष कार्य, वो ए अकेला कितने दिनों में उस शेष कार्य को कर पाएगा, तो ये निकालना है। तो हम उसी पैटर्न से करेंगे, यानी हम लिखेंगे कि ए एक कार्य को, किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर लेता है, ठीक है। बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है? 15 दिनों में पूरा करता है। तो यहां पे 18 और 15 का हम एलसीएम लेंगे तो 18 और 15 का एलसीएम आएगा 90। अब 18 से 90 में भाग दिया और यहां लिख दिया 18 × 5 = 90 और 15 से 90 में भाग दिया और यहां लिख दिया 15 × 6 = 90, ठीक है। तो अब इससे क्या मतलब निकला? इसको हम अगर इसी व्हाइट बोर्ड से समझें कि कुल कार्य 90 व्हाइट बोर्ड बनाने का था, उसमें से ए ने एक दिन में 5 व्हाइट बोर्ड बना सकता है जबकि बी एक दिन में 6 व्हाइट बोर्ड बना सकता है, लेकिन बी ने काम स्टार्ट किया। अब देखो यहां पे क्या देखना है, बी ने अकेले ने काम स्टार्ट किया, यानी बी की कैपेसिटी क्या थी? एक दिन में 6 व्हाइट बोर्ड बनाने की, और उसने कितने दिन तक काम किया? 10 दिनों तक। तो एक दिन में कितने व्हाइट बोर्ड बनाए? 6। तो 10 दिनों में व्हाइट बोर्ड कितने बन जाएंगे? 10 दिनों में हुआ कार्य बराबर कितना हो गया? 60 व्हाइट बोर्ड बन गए, 10 × 6 = 60। तो इस 60 को हम क्या करेंगे? इस 90 में से माइनस कर देंगे, 90 में से माइनस कर देंगे। कुल कार्य क्या था? 90 था, उसमें से 60 कार्य बी द्वारा कर लिया गया 10 दिनों में, क्योंकि एक दिन में उसने 6 कार्य किया तो 10 दिनों में 60 कार्य हो गया। तो 90 में से 60 गए तो शेष कार्य कितना बचा?
30 बचा, शेष कार्य कितना बचा, 30 बचा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें शेष कार्य 30 बचा। अब ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो हम एक ही कैपेसिटी देखें, ए एक दिन में 5 व्हाइट बोर्ड बना रहे हैं, व्हाइट बोर्ड कितने बनने हैं 30, तो ए द्वारा जो काम किया गया तो उसमें हमें दिनों की संख्या निकालनी है कि वो कितने दिन में वो कार्य शेष कार्य को पूरा करता है। तो शेष कुल शेष कार्य कितना बचा था 30, तो इसको लिख देंगे हम ऊपर। और इसकी कैपेसिटी क्या है, ये एक दिन में 5 बनाता है, कितने बनाता है 5, और कुल व्हाइट बोर्ड बनाने से 30, एक दिन में बनाता है 5, तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी 5 × 6 = 30 यानी 6 दिन। तो 6 दिन इसका उत्तर आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका होगा। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। क्वेश्चन 8, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे 5 दिन तक मिलकर कार्य करते हैं, उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है, तो बताइए कि ए शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 इससे थोड़ा डिफरेंट था, उसमें क्या था कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, फिर था कि बी उस कार्य को 10 दिन तक करता है, बी अकेला बी कार्य को प्रारंभ करता है और 10 दिन तक करता है और उसके बाद बी कार्य को छोड़ के चला जाता है, तो उसमें पूछा था कि बताइए शेष कार्य ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन था। तो अब इसमें डिफरेंट है, इसमें क्या है कि वो दोनों मिलकर के 5 दिन तक काम कर रहे हैं, तो करेंगे हम वैसे ही, थोड़ा सा समझ लें इसको, यानी हम सबसे पहले लिखेंगे कि ए किसी कार्य को समाप्त करता है 18 दिन में, यानी ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, 18 और 15 का एलसीएम यानी लासापा ले लीजिए 90 आएगा, 18 से 90 को भाग दे दीजिए और यहां पर रख दीजिए, 18 × 5 = 90। अब 15 से 90 को भाग दीजिए और यहां पर रख दीजिए, 15 × 6 = 90, तो यहां 5 और 6 आ गया। इससे क्या मतलब निकला कि अगर व्हाइट बोर्ड बनाने का काम है तो कुल व्हाइट बोर्ड बनाने हैं कितने 90, उसमें ए एक दिन में 5 व्हाइट बोर्ड बना सकता है, बी एक दिन में 6 व्हाइट बोर्ड बना सकते हैं, 5 दिन तक ए और बी मिलकर कार्य करते हैं, तो सबसे पहले तो हम ए और बी का एक दिन का कार्य निकालते हैं, तो ए और बी का एक दिन का कार्य बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 बोर्ड बनाता है, ये 6 इनको जोड़ दीजिए तो ये 11 कार्य हो गया। ए और बी का एक दिन का कार्य 11 और हमें निकालना है 5 दिन का, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी का 5 दिन का कार्य, 5 दिन का कार्य बराबर कितना हो जाएगा, 11 का 5 गुना यानी 11 × 5 = 55। अब 55 कार्य हो गया, कुल कार्य कितना था 90, तो शेष कार्य कितना बचेगा, तो निकाल लीजिए शेष कार्य बराबर कुल कार्य था 90, उसमें से ए और बी ने 5 दिन में मिलकर के 55 कार्य कर दिया, तो बचा शेष कार्य 35। अब वो कार्य सिर्फ ए के द्वारा किया जा रहा है, ए कर रहा है शेष कार्य को, तो शेष कार्य को ए द्वारा करने में लगा समय, यहां पे लिखेंगे शेष कार्य को ए द्वारा करने में लगा समय, तो करने में कितना समय लगा ए को, शेष कार्य बचा था 35 बटे ए एक दिन में 5 कार्य कर सकता है, मतलब अगर व्हाइट बोर्ड 35 बजाने शेष रह गए थे तो ए एक दिन में 5 व्हाइट बोर्ड बना सकता है, तो बटे में कर देंगे 5, यानी शेष कुल कार्य जो बचा था और इसकी ए की क्षमता क्या थी, 5 काम कर सकता था एक दिन में, 5 व्हाइट बोर्ड 5 कुर्सी कुछ भी, तो बटे में 5 कर देंगे, 5 × 5 और 5 × 7 = 35 बराबर उत्तर आ गया 7 दिन, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, 1/8 कार्य के पूरा होने के बाद सी कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य ए और बी मिलकर
पूरा करते हैं, शेष कार्य को करने में कितना समय लगा? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। ए बी सी, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, कितने दिन में कर सकता है? 6 दिन में। बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, 6, 12 और 15 का एलसीएम आएगा कितना? 180। 6 से 180 में भाग दिया, कितने बार गया? 30 बार। 6 3 18 और 0 का 0 यहां रख दिया। 12 से 180 में भाग दिया, 12 15 180, 15 आया, यहां रख दिया। 15 से 180 में भाग दिया, 15 12 में 180, 12 आया, यहां पे रख दिया। अब हमें क्या करना है कि ये हमारा कुल कार्य है, चाहे वो व्हाइट बोर्ड बनाने हो, कुर्सी बनानी हो, मेज बनानी हो या पेन बनाना हो, तो कुल कार्य 180 था। ए एक दिन में 30 कार्य कर सकता है, मतलब अगर सपोज करिए कि कुर्सियां बनानी है तो 180 कुर्सियां बनानी है, तो ए एक दिन में 30 कुर्सियां बना सकता है, बी एक दिन में 15 कुर्सियां बना सकता है, और सी एक दिन में 12 कुर्सियां बना सकता है। कुल कुर्सियां बनानी है 180, लेकिन वो क्या कह रहा है कि 1/8 कार्य के पूरा होने के बाद, माने एबीसी ने तीनों ने मिलकर कार्य किया और उसके 1/8 कार्य पूरा होने के बाद सी कार्य छोड़कर चला गया। ए और बी तो कर रहे हैं, सी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो 1/8 इसका निकाल लीजिए, तो 180 का यानी गुणा का मतलब क्या होता है? गुणा 180 का 1/8 कार्य कितना होगा? इसको काट लीजिए तो ये 4 से कटेगा, 4 चौके 16, 4 5 20 और 4 2 8 कितना हो गया? ये 45/2, और 45/2 को अगर हम दशमलव में लिखें तो कितना हो जाएगा? 22.5। कुल कार्य था 180, उसमें से 22.5 कार्य हो चुका है, 1/8 कार्य हो चुका है, उसके बाद सी कार्य छोड़ देता है, ठीक है। तो इसको इसमें से माइनस कर लीजिए, तो यहां से 10 को 9 बनाएंगे इसको, और इसमें से उधार लिया तो ये हो गया 10 में से 5 गए 5, और यहां पे कितने हो गए? 9 हो गए, 9 में से 2 गए 7 बचे, और यहां पे क्या हो गया? 7 हो गए, 7 में से 2 गए 5 बचे, और यहां 1 हो गया, यानी ये आ गया 157.5। तो इसको हम कुल कार्य में से, ये जो 1/8 कार्य हो गया, इसको हम क्या कर देंगे? घटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे, तो हमारा ये शेष कार्य आ गया। क्या आ गया फ्रेंड्स? हमारा शेष कार्य आ गया। अब शेष कार्य ये आ गया, लेकिन सी छोड़ के चला गया, तो अब ए और बी को ही कार्य करना है, तो ए और बी की कैपेसिटी क्या है? ए एक दिन में 30 कार्य करता है, बी एक दिन में 15 करता है, तो ए और बी का एक दिन का कार्य, ऐसा लिख देते हैं, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना है? 30 ÷ 15 = कितना हो गया? 30 ÷ 15 = कितना हो गया? 45। अब देखिए, हमें निकालना है कि ए और बी उस कार्य को कितने समय में कर सकता है, तो यहां पे लिखेंगे ए धन बी को शेष कार्य को समाप्त करने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा? कुल शेष कार्य कितना था? 157.5 और बटे ए प्लस बी एक दिन में कार्य कर सकता है 45, यानी इसकी कार्य करने की क्षमता, तो इससे दिन आ जाएंगे, तो ये दशमलव अगर हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। तो अब इसको काट लेते हैं, 1575 हो गया, बटे में 450 है, 5 और 1 6 7 13 5 18 9 से कट जाएगा, तो 9 1 9 6 बचे, 9 7 63, 4 बचे, 9 5 45 और यहां पे आ गए 9 5 45। अब ये फिर 25 से कट जाएगा, देखिए ये 50 आया, तो 25 7 175 और 25 2 50, यानी ये हो गया
सात बटे दो, और सात बटे दो को सही बटे में तोड़ेंगे तो दो दिया छह, सात में से छह गए बचा एक, रख दिया यहाँ पे, तो तीन सही एक बटे दो दिन इसका उत्तर आ गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम पार्ट थ्री में लाएंगे। और फ्रेंड्स मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका पूरा पूरा लाभ ले सकें। थैंक यू।